हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल ने विधानसभा चुनाव 2022 पर कहा कि हिंदू वाहिनी का योगदान सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का रहा है तथा सभी हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता 365 दिन समाज हित में कार्य करते रहे हैं तथा प्रयास रहा है कि सरकार की योजनाओं को समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक विशेष काम करना पड़ता है कि नए मतदाताओं को मतदाता बनाना तथा मतदाता सूची में उनका नाम जुड़वाना और साथ में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने के लिए हिंदू वाहिनी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तथा विधानसभा चुनाव में प्रदेश में हुए विकास को देखते हुए जनता भाजपा के साथ है और भाजपा को ही वोट करेगी जिससे दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, देखिए हिंदू वाहिनी का रोल तो अपने स्थापना काल से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का रहा है। हम लोग 365 दिन लगातार कार्य करते रहे हैं और दिन में हमारे कार्यकर्ता 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे कार्य करते हैं सामाजिक क्षेत्र में। समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए हम लोग कार्य करते रहे हैं। हाँ, चुनाव की दृष्टि से एक अलग विशेष कार्य करना पड़ता है, जैसे नए मतदाताओं को मतदाता बनाना, मतदाता सूची में उनका पुनरीक्षण के दौरान उनका नाम ऐड करना और साथ में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी सरकार को बनाने के लिए हिंदवानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कार्य कर रही है और हम लोग एक बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और योगी आदित्यनाथ महाराज की मुख्यमंत्री के रूप में एक दूसरा टर्न भी हम लोग जल्दी ही देखेंगे। 2022 के चुनाव में कितनी सीटों की लगभग लक्ष्य रखा गया? देखिए सीट की बात मैं नहीं करता, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा सीट मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि पिछली बार तो एक परिवर्तन था, इस बार लोगों ने देखा है कि ये परिवर्तन पॉजिटिव परिवर्तन था और इस क्षेत्र का विकास हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में सब तरफ एक पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। शौचालय, मकान हर क्षेत्र में मिले हैं। आपके एम्स, फर्टिलाइजर, इस क्षेत्र की अगर गोरखपुर क्षेत्र की बात करें तो स्पेशल मेडिकल कॉलेजेज, कोविड का मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पर अगर देखा जाए तो जनता हमारे साथ है, उस चीज़ को मानती है और जनता हमारे पक्ष में वोट डालेगी। भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत होगी।